मध्य प्रदेश की सीधी से बड़ी खबर ही बता दी कि सीधी में अवैध नशा के खिलाफ पुलिस का बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बाहर पुलिस के द्वारा 1,83,000 रुपया की कीमत के 418 सीसी अनारेक्स कप सिरप जब्त की गई है। के साथ अवैध परिवहन में इस्तेमाल की जाए वाली मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों का गिरफ्तारी की गई। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महम पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे बड़ी खबर से बता दी कि पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव और उप पुलिस अधीक्षक रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना बहरी प्रभारी निरीक्षक रीता त्रिपाठी के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ के भंडारण परिवहन और विक्रय के खिलाफ कार्रवाई की गई। 13 जनवरी का थाना प्रभारी का बहरी मुखबिर से जानकारी मिली कि ग्राम चंदवाही खैरावा टोला पहाड़ी पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध नशीली कप सिरप बोरी मवाद के विक्री करे खातिर रखे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारी का अवगत करवावा का जिसके बाद थाना प्रभारी बाहरी के द्वारा अपने नेतृत्व में टीम गठित करके रेड कार्रवाई के खातिर मुखबिर के बताए जाए वाले जगह पर दबिश देंगे, जहां दो आदमी मोटरसाइकिल पर खड़े मिले जो पुलिस का आवत देख मोटरसाइकिल छोड़ के भागे की कोशिश करे लगे। हमरा स्टाफ के मदद से पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों का पकड़ा गया है। मोटरसाइकिल में बधी बोरी का चेक करे पर दो अलग अलग बोरी में कुल 418 सीसी अनारेक्स नशीली कप सिरप जेकर बाजार में कीमत 62,700 रुपया आकी गई है बरामद भय। इस संबंध में कागजात के मांग की गए जो आरोपियों के द्वारा कोनो मेर के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। पूरे मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ धारा 8/21-22 NDPS एक्ट और धारा 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के अपराध पाए जाए पर अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों के कब्जा से 418 सीसी अनारेक्स के साथ साथ परिवहन में इस्तेमाल की जाए वाली मोटरसाइकिल जेकर कीमत 80,000 कुल कीमत 1,42,700 रुपया जब्त करके आरोपियों का गिरफ्तार करके मालनी न्यायालय में पेश की गई। सजग रही सतर्क रही रखिए आप अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम।